एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिसीज गार्डन। तो ये है मेरा वही सिंगोनियम का प्लांट जिसे मैंने बॉटल में लगाया था, और अभी मैं आपको इसे इसकी रूट्स दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप हो गई हैं और इसे मैं अब इस पॉट में लगा दूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने इसी तरह से ये एक सिंगोनियम का प्लांट तैयार किया है, और ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसे किसी भी शेड वाली जगह पर रख सकते हैं और ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बस इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे और पानी समय पे मिलता रहे तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो चलिए इसे इस पॉट में लगा लेते हैं। तो मैंने इसे इस गमले से मिट्टी थोड़ी निकाल दी है, और आप देखिए इसमें एक नहीं तीन प्लांट हैं। तो इसे मैं इसी गमले में अलग अलग तरीके से लगाऊंगी, अलग अलग थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर लगा दूंगी। आप देखिए, ये तीन पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। मैं चाहूँ तो इसे अलग अलग पॉट में लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इसी पॉट में इन तीनों पौधों को लगा दूंगी। तो देखिए, मैंने इसे पॉट में लगा दिया है, और यही बॉटल का पानी मैं अब इसमें डाल दूंगी इस तरह से। तो इस तरह से मेरे दो पॉट तैयार हो गए हैं सिंगोनियम के, और इसे मैं कहीं भी शेड में रख दूंगी, और कुछ ही दिनों में ये पूरा गमले में इसी तरह से घना हो जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा।